السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जी इंशाल्लाह शुरू करते हैं आगे अगला दर्स। तो कौन पढ़ेगा? आप जी पढ़े आप। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدرس العشرون. على عبد كم سورة حفظت يا بشير؟ بشير حفظت سورة واحدة. على عبد وكم سورة حفظت أنت؟ ठीक है। अलबू कम सूरत हफिजता या बशीरु, कितनी सूरतें याद की आपने ए बशीर? बशीरुन हफिजतु सूरतन वाहिदतन। बशीर ने कहा कि मैंने याद की है एक सूरत। अलबू व कम सूरतन हफिजता अंता या उमरु, और कितनी सूरत याद की है आपने ए उमर? उमरुन अना हफिजतु सूरतैनी, मैंने याद की है दो सूरतें। माव्यातु या अबती जाअल यौमा मुदर्रिसानी जदीदानी अहदुहुमा लिल्फिखी वल आखरु लिल्हदीसी। अब्बू आए आज दो नए उस्ताद, उनमें से एक फिक्र का है और दूसरा हदीस का। तरसी पढ़े जी। बशीरुन या अबती करातुल यौमा
كلمتين جديدتين في هذا الكتاب. ابو मैंने पढ़े हैं आज दो नए कलिमात इस किताब में. अल अबूमा हुमा क्या है वो. जी बशीर हुमा अल मुश्तु वल मिक्दातुन मिखद्दतु मिक्दातुन. सर दोनों के मायने क्या है. मुश्त अल मुश्त कहते हैं किसको जी. अल मुश्त कहते हैं कंगी को कॉम्ब और अल मिखद्दा कहते हैं तकिए को. तो मखद्दा विसादतुन भी कह सकते हैं फिर तकिया जी को. जी विसादा भी कहते हैं अल मिखद्दा भी कहते हैं. अल अबू आ अरफ्ता माना हुमा क्या तुम्हें मालूम है उन दोनों के मायने. बशीरुन नाम सअलतुल अरफ्ता माना हुमा क्या आपने जान लिए क्या आपने पहचान लिए इन दोनों के मानी. बशीरुन नाम सअलतुल मुदर्रिसा فشرح لي معناهما. جزاكم الله خير. आगे आप पढ़ें. शगुफ्ता जबीन. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. सर एक मिनट जरा मैं दूसरा फोन. जी हम यहाँ से पढ़ बस सर मैं शुरू कर रही हूँ. الابن والد انا الان اذهب الى السوق اتريدون شيئا. میں اب بازار جا رہا ہوں کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے ہے. عمر اريد دفترا مجھے رجسٹر چاہیے ہے. معاویہ عندي دفتران و اريد دفترين اخرين میرے پاس دو رجسٹر ہیں اور میں دوسرے دو رجسٹر چاہتا ہوں. بشیر اندی ملفانی صغیرانی و اریدو ملفینی کبیرانی. ملفینی سر نا ملفینی کبیرانی. بشیر میرے پاس دو فائلیں ہیں چھوٹی اور میں دو بڑی فائلیں چاہتا ہوں. الابن والد من ای من سر من من اين لك هذا من من اين لك من من اين لك هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير. من اين لك هذا القلم یہ قلم تمہارے پاس کہاں سے آیا خوبصورت اور دو رنگ والا اے بشیر. دو رنگوں والا ٹھیک ہے. بشیر اشتریته میں نے اسے خریدا ہے. الاب بكم اشتريته كتنے کا اشتريته بكم اشتريته كتنے کا اس کو خریدا تم نے. بشیر اشتريته بريالين میں نے اسے دو ریال کا خریدا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. الدرس العشرون جو بھی آپ نے سماعت کیا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے الاب باپ بات کہتا ہے کم سورتن حفظت یا بشیرو کتنی سورتیں حفظ کی ہیں آپ نے اے بشیر. جی کتنی سورتیں حفظ کی ہیں آپ نے اے بشیر. تو یہ جو کلمہ آپ دیکھ رہے ہیں کم ٹھیک ہے اس کم کو استفہام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سوال کے طور پر اور اس استفہام میں تعداد کا سوال ہوتا ہے جیسے کم سورتن کتنی سورتیں ٹھیک ہے یا آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز لے آئیں. اور جہاں تک بات ہے اعراب کی تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا تمیز کی بنا پر. تمیز کی بنا پر جی ہاں
तमीज आप लोग जानते हैं क्या होता है? मंसूबात में दो चीजें साथ जिक्र की जाती हैं, एक हाल जो हालत बताने के लिए आते, जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, ठीक है, और दूसरा होता है तमीज। तमीज में क्या होता है कि पीछे जुमले में एक इबहाम होता है, उस इबहाम को दूर करने के लिए तमीज लाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये कहा जाए कि जो आदत के बाद जो आती है ना चीज, जैसे अश्रून दीनारन, ठीक है, तो ये भी तमीज होती है, अश्रून 20। अब इस 20 में इबहाम है कि 20 से मुराद क्या है, दिनार मुराद है, रुपया मुराद है, दिरहम मुराद है, तो उस इबहाम को दूर कर दिया ये कहकर कि अश्रून दीनारन, ठीक है। तो इसी तरह एक इबहाम कम में भी होता है कि सवाल किस बारे में है पता नहीं है, तो जब ये कह दिया जाए कम सूरतन, ठीक है, तो इस तमीज ने उस इबहाम को, पीछे जो इबहाम पैदा हो रहा था उसको दूर कर दिया। जी अदवातुल इस्तिफाम सही है, लेकिन नहीं ये हर सवाल के साथ नहीं है, ये सिर्फ जो कम है उसके जरिए, यानी ये बात होती है कि उसके बाद जो है वो तमीज आती है। हाल का मैंने सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि हाल यानी तमीज के साथ जिक्र ही जाता है, और बस औकात बाज़ तलबा को हाल और तमीज में थोड़ा सा तशाबो भी हो जाता है, डिफरेंस नहीं कर पाते ज्यादा, लेकिन डिफरेंस बिल्कुल वाजह है उसमें। हाल में क्या होता है कि हालत को दूर किया जाता है, जैसे जा ज़ैदुन राकिबन के जैद आया सवार होकर, तो उसमें जो है वो उसके आने की हालत बताई जा रही है, तो हाल में हालत बताई जाती है और तमीज में माँ कबल जो इबहाम होता है उसको दूर किया जाता है। कम और बिकम में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस बिकम में शुरू में हर्फ लगा दिया जाता है। एक फर्क आप ये समझ सकते हैं कि बिकम जब कहा जाए ना बा के साथ बिकम, तो उस बिकम में जो बा लगा दिया गया ना, तो उसमें वो चीज पहले से आ गई उस बा में, कि मिसाल के तौर पे आपने सवाल किया बिकम इश्तरैता हूं कि आपने ये कलम कितने में खरीदा, ठीक है, तो ये जो बा आपने लगा दी तो इसमें आपने उस सवाल को यानी बा के जरिए वजाहत कर दी कि मेरा जो सवाल है वो आपका इस बारे में है कि आपने ये कितने में खरीदा है। बा का मतलब ऐसा होता है यानी साथ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जी जी आ जाए, या इवज, ठीक है, कि कितने इवज में आपने खरीदा है ये। तमीज का क्या मतलब होता है? तमीज का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो पीछे इबहाम आ रहा होता है उसको दूर कर दिया जाता है। चले इसकी जब आगे प्रैक्टिस आएगी तो उसमें मजीद इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तमीज हमेशा नकरा होती है, जी हाँ ये बात भी ठीक है, तमीज हमेशा नकरा होती है। तो सवाल क्या, कम सूरतन हफिज था या बशीरू, कितनी सूरतें हिफ्ज की आपने ए बशीर। बशीर ने कहा हफिज तो सूरतन वाहिदतन, मैंने एक सूरत याद की है। ये हफिज तो फेल है, इसमें फाइल मौजूद है, और सूरतन वाहिदतन ये मौसूफ सिफत मिलकर मफूल बन जाएगा। मैंने याद की है एक सूरत। अल अब वकम सूरतन हफिज़ता या उमरू, और कितनी सूरतें याद की हैं आपने ए उमर। हम जब तर्जुमा करते हैं तो उसमें माना जमा का हो जाता है, लेकिन अरबी में उसको वाहिद ही रखा गया है। कम सूरतन, सूरतन वाहिद है, लेकिन जब उर्दू में तर्जुमा किया जा रहा होता है तो उसमें तर्जुमे में ये कह दिया जाता है कि भाई कितनी सूरतें हैं, क्योंकि जुबान का थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। वकम सूरतन, और कितनी सूरतें हफिजता आपने हिफ्ज की हैं या उमरू ए उमर। तो उमरू ने जवाब दिया अना हफिजतु सूरतैनी, मैंने हिफ्ज की हैं दो सूरतें। जी सूरतैनी क्या बनेगा? तस्निया है, ठीक है, बनेगा क्या यानी इराब में क्या बनेगा?
मफूल बनेगा, ठीक है। वही ऊपर वाली बात, सूरतन वाहिदत ना, वहां पर यहाँ पे सूरतैनी, ठीक है, तस्निया, और तस्निया की ये नस्बी हालत है जो या नून के साथ आती है। हफिज़्तु सूरतैनी, जी हाँ। ठीक है। मुआविया, मुआविया ने कहा या अबती, ए अबाजान, जा अल यौमा मुदर्रिसानी जदीदानी, आए आज के दिन दो नए मुदर्रिस, अहदुहुमा लिल फिक्ही, उनमें से एक फिक के लिए थे यानी फिक के मुदर्रिस हैं, वल आखरु लिल हदीसी, और दूसरे हदीस के मुदर्रिस हैं। अबुन कहते हैं, लेकिन कभी कभार मुनादा के तौर पे ता का इजाफा कर दिया जाता है, या अबती, जी। अबती और अबी में क्या फर्क है? फर्क कोई खास नहीं है, ये इस्तेमाल होता है कि कभी कभार ता का इजाफा कर दिया जाता है अबुन के आखिर में, बस एक इस्तेमाल है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब उसको हम मुनादा बना रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पर अबुन या अबी, ये तो मुनादा के बगैर भी इस्तेमाल हो जाता है ना, जा अबी, रई तो अबी, या जा अबुन, ठीक है। लेकिन जो ये अबती है ता के साथ, ये अक्सर तौर पर मुनादा के जरिए ही इस्तेमाल होता है, या अबती। कुरान में भी है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु। और ये बात भी आपकी ठीक है, फॉर रिस्पेक्ट ओनली, के इसमें इस उसलूब में जो एक इज्जत वाला मामला है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। यानी आप तर्जुमा भी यूं कर लें कि ए अब्बा जान, जी 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 हाँ, अबती में ज्यादा एक इजहार होता है मोहब्बत का। तस्निया के बाद आने वाला भी तस्निया होगा अगर उसकी सिफत है तब, जैसे यहां पे सिफत है, अगर सिफत नहीं है तो वो जाहिर सी बात है वो फिर कलाम के एतबार से जो बनेगा। सर, ये अबती जो है वो मबनी है। जी, ये मबनी रहेगा, यानी इसी हालत पे रहेगा, या अबती। जा अल यौमा, आए आज के दिन, मुदर्रिसानी जदीदानी, दो नए मुदर्रिस। इसका बताएं इराब, जा आ फेल हो गया, ठीक है, अल यौमा ये क्या बनेगा? मफूल, कौन सा मफूल? नहीं, मफूल भी सही है, लेकिन उसको खास मफूल कहते हैं, मफूल फी, ठीक है, जर्फ कह लें या मफूल फी कह लें, एक ही बात है। और मुदर्रिसानी ये क्या बनेगा? फाइल बनाने से पहले आगे से इसका ताल्लुक बनाएंगे। अगले से क्या ताल्लुक बनेगा? नहीं, फाइल तो ठीक है, लेकिन पहले मुदर्रिसानी जदीदानी, इन दोनों का ताल्लुक बने, मौसूफ सिफत, ठीक है, मुदर्रिसानी मौसूफ, जदीदानी सिफत। और ये आप देख लें कि जो इराब मौसूफ का है वही इराब सिफत का है, ठीक है। फिर मौसूफ का जो इराब है वो फाइल की वजह से है, रफी हालत में तस्निया, ठीक है। ऊपर आपने तस्निया की कौन सी हालत पढ़ी थी? नस्बी, ये अना हफिज़्तु सूरतैनी, ठीक है। नीचे आप तस्निया की पढ़ रहे हैं रफी हालत, जो अलिफ नून से आती है, तो मुदर्रिसानी ये फाइल होने की वजह से मरफू है। तो जब इराब में हम इसका महल बताएंगे तो इस तरह कहेंगे कि मुदर्रिसानी मौसूफ, जदीदानी सिफत, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर जा का फाइल बन जाएगा। अहदुहुमा लिल्फिक्ही, उनमें से एक फिक के हैं उस्ताद, बल आखर उल हदीस, और दूसरे हदीस के। आखर और आखिर में फर्क भी आप जानते हैं क्या है? आखर दूसरे के लिए होता है, आखिर माना आखिरी, और आखर माना पहले के मुकाबले में जो दूसरा है। बशीर, या अबती, ए अबजान, करअतुल यौमा कलिमतैनी जदीदतैनी फी हाजल किताबी, मैंने आज पढ़े
दो नए कलमे इस किताब में, यहां पे भी वही बात है, अल्यौमा ये मफूल बन जाएगा, मफूल फी, और कलीमतैनी जदीदतैनी, यहां पे भी आप देख ले तस्निया की कौन सी हालत है, नस्बी हालत है, क्योंकि मफूल बन रहे हैं। तो कलीमतैनी मौसूफ, जदीदतैनी सिफत, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर, करातू का मफूल भी, ये दो मफूल आ रहे हैं यहाँ पे, अल्यौम मफूल फी है और कलीमतैनी जदीदतैनी मफूल बिही है। मफूल की पांच अकसाम पढ़ी हैं आपने, नहीं पढ़ी हैं जी? अच्छा, सही है, ये ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज्यादा तो मफूल भी इस्तेमाल होता है जो आम मफूल है, जिस पर फाइल का फेल वाक्य होता है, जैसे ज़रब ज़ैदुन अमरन, इसको कहते हैं मफूल भी, बिही, ठीक है। जैसे यहाँ पे कलीमतैनी जदीदतैनी मफूल बिही है, मैंने याद किए दो कलमे, ठीक है, मफूल बिही। फिर आता है जिसे हम कहते हैं मफूल मुतलक, मफूल मुतलक, जिसको जो किताब में अगर लिखा हुआ है तो बाज़ तलबा उसको मुतलक पढ़ देते हैं, तलाक याफ्ता मफूल, मफूल मुतलक। मफूल मुतलक क्या होता है, ताकीद वाली बात तो बाद में है, पहले मफूल मुतलक का होता है इस्तेमाल, कि वो किस तरह आता है, मफूल मुतलक किस तरह आता है कि फेल जिक्र होगा, फिर उसी फेल का मसदर बाद में आ जाएगा, जैसे दरबतु दरबन, फिर आगे उसका इस्तेमाल अलग है, ताकीद के लिए आता है, नौइयत बताने के लिए आता है, कैफियत बताने के लिए आता है, वो अलग है। लेकिन मफूल मुतलक की पहचान यह है कि फेल जिक्र होगा, फिर फेल के बाद उसी फेल का मसदर उसको बतौर मफूल बना दिया जाएगा, जैसे दरबतु दरबन, मैंने उसको एक बार मारा, यहाँ पे ये तादाद बताने के लिए, ठीक है। और एक और इसकी मिसाल है, जलस्तु जिल सतल कारी, कि मैं बैठा कारी की तरह बैठना, यहाँ पे ये कैफियत बताने के लिए, जलस्तु जिल सतल। उसके बाद आता है मफूल फी, जो जर्फ के तौर पर होता है, जैसे अल्यौमा, आपने देखा जर्फ में क्या होता है, वक्त या जमाना, ठीक है। तो अल्यौमा यहाँ पे आप देख ले मफूल फी है। फिर आता है मफूल लहू, मफूल लहू किस लिए होता है, मफूल लहू होता है कि ये बताने के लिए कि ये फेल इस वजह से हुआ है, जैसे कोई कहे दरबतुहु तदीबन, मैंने उसे मारा अदब सिखाने के लिए, तो यहाँ पे तदीबन ये बता रहा है कि वो जो मार है ना, मार, उस मार की वजह क्या है, अदब सिखाना, ठीक है। मफूल लहू, जिसे हम मफूल अजली ही भी कहते हैं, उसके नाम से भी माना ज्यादा समझ आ जाता है, लिअजली का मतलब उसकी वजह से, तो मफूल लहू में यही होता है कि उसकी वजह से फेल वाक्य हुआ होता है, जैसे दरबतुहु, मैंने उसको मारा, ये मार क्यों पैदा हुई, क्यों मारा, तदीबन अदब सिखाने के लिए। और सबसे आखिर में आता है मफूल माहू, ये सबसे कम इस्तेमाल होता है कुरान में, इसकी मिसाल है कुरान में, तो मिसाल है इसकी, यानी बहुत कम इस्तेमाल होता है। मफूल माहू में ये होता है कि वाओ के बाद जो मफूल आएगा, और वो वाओ जो मा के माना में होगी, मा यानी साथ, ठीक है, इसके नाम से ही मारूफ है मफूल माहू, कि ऐसा मफूल जो ऐसी वाओ के बाद आए जो वाओ बमाना मा हो। मिसाल, मिसाल कुरान में है इसकी, वो इस वक्त जहन में नहीं आ रही। आप लोग भी देना कोई ऑनलाइन में से मिसाल दें मफूल माहू की। हदीस में भी है, हदीस में भी पढ़ी है, लेकिन इस वक्त जो है वो नहीं, वो नहीं, वो तो मा खुद लफ्ज आ गया ना। जी किसके साथ, नहीं, अगर मा लफ्ज आ गया ना तो फिर मफूल मा हूं नहीं है, वो तो खुद ब खुद मा लफ्ज आ गया, ये वो मफूल है जो वाओ के बाद है, ऐसा वाओ जो मा के माना में हो।
नहीं आ रही, मैं कुरान से कोई मिसाल नहीं दी हुई इन्होंने भी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पढ़ी है मिसाल। बसखरना मा दाऊद अलजिबाल, नहीं ये तो नहीं है जी, बताएं बिल्कुल बताएं। तौकीर फातिमा जी बताएं। सर ये फअजमीउ अमरकुम व शुरकाकुम जी, फअजमीउ अमरकुम व शुरकाकुम, एक ये और कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अहसंत, बिल्कुल ये मिसाल सही है, फअजमीउ अमरकुम व शुरकाकुम। सर ये भी है ना, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये भी हो सकती है ना, वाओ के बाद है क्योंकि दो कु अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, ये हो सकती है सर, ये भी मिसाल बन सकती है, कु अनफुसकुम वाहलीकुम नारा। लेकिन इसमें यानी जाहिर तौर पर ये बात भी है कि ये वाओ आत्फा भी बना सकते हैं, इसको अनफुसकुम पर आत्फ हो जाएगा, वजा रब्बुका वल मलकु, नहीं ये मिसाल नहीं है, ये मिसाल ठीक है जो आपने पहले दी थी ना, फअजमीउ अमरकुम व शुरकाकुम, अपना अपना मामला जमा करो और अपने शरीकों के, यानी अपने शरीकों के साथ, ठीक है जी, ये मिसाल नहीं है इसकी मफूल माहू की, सही है बारकल्लाहु फीक, यानी ऐसी वाओ जो मा के माना में हो उसके साथ मफूले माहू आता है। चले इसको फिर इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। तो कहते हैं कि अब्बाजान मैंने आज के दिन दो नए कलमे पढ़े हैं इस किताब में, रिपीट, वो है फअजमीउ अमरकुम व शुरकाकुम, इसका इसका माना वाओ वाला, वाओ का बमाना मा इस तरह बनेगा कि हम कहें मा शुरकाइकुम, अपना मामला जमा करो अपने शरीकों के साथ। चले तो कहते हैं मैंने आज के दिन दो नए कलमे पढ़े इस किताब में, अल अब मा हू मा, वो दोनों कौन से हैं, मा हू मा, वो दोनों कौन से हैं। बशीर, हुमा अल मुश्तु वल मिखद्दतु, वो दोनों हैं, एक तो मुश्त और दूसरा मिखद्दा। अल मुश्त कहते हैं किसको, कंगी को, अल मुश्त, और दूसरा लफ्ज है अल मिखद्दा। अलमिखद्दा किसे कहते हैं, तकिए को, ये आप इसके लफ्ज पे गौर कीजिएगा, अलमिखद्दा जो निकला है ना वो निकला खद से, खद, खद्दुन कहते हैं रुखसार को, गाल को, ठीक है। तो मिखद्दा जो है ये इसका माना ये बनेगा कि वो चीज जिस पर आप अपना खद रखें, यानी गाल रखें, ठीक है, इसीलिए उसको मिखद्दा कहा जाता है, यानी ऐसी चीज, मा युदाउ अलैहि अलखद्दु, कि जिस पर खद रखा जाए यानी गाल रखी जाए उसे कहा जाता है मिखद्दा, यानी तकिया। तकिए को अरबी में विसादा भी कहते हैं, विसादा। मा युदाउ अलैहि अलखद्दु, कि उस पर रखा जाए खद यानी रुखसार, विसादा भी कहते हैं अरबी में जी, विसादा, वाओ से, वाओ सीन अलिफ दाल और आखिर में ताए मुदव्वरा, ये विसादा की जमा वसाइद आती है हदीस में, जैसे नबी सल्लम ने फरमाया था ना, सलासुन ला तुरद्दू, तीन चीजों को ना लौटाया जाए, उनको रोका ना जाए, उनमें से पहली चीज है अल वसाइदु, तकिए, अगर आपको कोई तकिया पेश करे तो उसको मत लौटाओ बल्कि ले लो, और दूध और खुशबू, अलवसाइदु, ठीक है, और खुशबू, ये अपना हाँ पहले वल्लबन इस्तेमाल होता था, और तीसरी चीज है बदहनु, खुशबू, यानी ये इस हदीस में ये तीन चीजें, खजूर, खजूर का
पता नहीं खजूर का मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इस हदीस में नहीं है खजूर का, और अगर आपके कोई इल्म में हो तो इजाफा कीजिएगा। खुशबू के लिए लफ्ज यानी अरबी में वैसे तीब भी कहते हैं, तीब खुशबू को, और इस हदीस में जो लफ्ज खुशबू के लिए इस्तेमाल हुआ वो अद्दहन, दाल हा नून। नहीं नहीं ऐसा, यानी ऐसा कोई मेरे जहन में नहीं है फर्क, वल्लाहु आलम, दोनों एक दूसरे के मायने में इस्तेमाल होते रहते हैं। फर्क होगा सही, वो उसके लिए फिर ज़ाहिर लुगत देखनी पड़ेगी। हाँ अरबी इतनी फसी है तो फर्क तो जरूर होगा, लेकिन उसके लिए चाय, चाय नहीं पीऊंगा मैं, आप मुझे बुला दें ग्रीन टी बगैर चीनी के। मुझे यही मुझे जहन में आया कि अब्बू जी भी कहते हैं कि जब कोई चाय पूछे ना तो उसको भी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय जो है वो भी दूध से बनी होती है। लेकिन मुझे एक उजर है जिसकी वजह से मैं नहीं पी रहा हूं। आपको तो हाँ ये भी ये सही था, माजरत। तो यहां तक हमने ये पढ़ लिया है, अब 15 मिनट हमारे रहते हैं। आगे का पढ़ लेते हैं, इसका मतलब आप लोगों ने तैयारी नहीं की। तो जो यानी मुहादसे की तैयारी करके आए हैं तलबा, उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। नहीं इंशाल्लाह हम अगले दिन भी करेंगे मुहादसा, इंशाल्लाह रोज होगा यानी हर क्लास के बाद। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे अरबी को वैसे आएगी, किताबों में पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मौजू क्या था हमारा? इंट्रोडक्शन। एक और मौजू भी था, वो बुक रीडिंग था, लेकिन हम नहीं कर, पहले इंट्रोडक्शन था। सही है। चले आप उठाएं फिर माइक, मुहादसा शुरू करें। इस्मी दुरे नायाब। सलाम। अस्सलामु कबल अल कलाम। अब पहले बोल देती हूँ, अना आसिफुन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्मी दुरे नायाब, अना तिलमीजतुन फिल महदिल बुरूज من فصل الثانية في الفصل الثاني من فصل الثاني أنا معلمة في المدرسة الثانية इसके आगे नहीं आता। مدرسة في المدرسة الثانية ثانوية طيب في يعني المرحلة الثانوية أنت تدرسين هناك طيب احسنت آپ آپ بتائیں اگلی جو بیٹھی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمی عافیہ
أنا تلميذة في البروج في المعهد في البروج ठीक है في الجامعة البحرية University بحرية بحرية نہیں جاتی نا میں بحرية University جی جی طيب نعم उसके अलावा सर कुछ सवाल करें अच्छा एक तो ये कि ये जुमला मुनासिब नहीं है अना तिलमीजतुन फी अलबुरूज बल्कि आप ये कहें कि अना तालिबुन या मौन्ना से तो अना तालिबतुन ठीक है ये कहना मुनासिब है क्योंकि तिलमीज जो है वो एक लफ्ज ऐसा है जो खास किसी उस्ताद के साथ उसको लगाया जाता है कि फलां उस्ताद का तिलमीज या इस तरह तो अगर आप किसी इदारे में पढ़ रहे हैं या इदारे का आपने नाम बताना है तो उसके लिए तालिबुन फिर उसके बाद आप अपना मरहला बताएं कि जी इन्हें किसको तिलमीज किसी खास उस्ताद के साथ मुजाफ मुजाफिला बना के तिलमीज तो शेख उबैद इस तरह और मुजाफ पर तनमीम नहीं आती सही है अच्छा जो उनवान हमारा कल तय हुआ था उस पर किसने तैयारी की है वजीहा जी आप खोलिएगा माइक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातहू اسمي وجيهة أنا ساكن في الجبال في السعودية ما شاء الله أنا طالبة في معهد بروج معهد البروج في درجة الثانوية في الدرجة الثانية في الفصل الثاني في الفصل الثاني آپ پوچھیں کچھ هل استعدت للعنوان في العنوان الذي قررنا بالأمس الحمد لله استعدنا استعدنا يا استعدت استعدت الحمد لله طيب فما هي الكتب التي تحبين أن تقرئيها أنا أحب أن أقرأ سنن النسائي وهذا الكتاب الذي في فصل هذا الذي بين يدينا يعني على العربية للناطقين غير العربية هذا أنا الذي أنا أحب أن أقرأ هذا طيب لماذا تحبين أن تقرأ هذا أن تقرأي هذا الكتاب أحب أن تقرأ أن سير سوري أوازني لماذا تحبين أن تقرأي هذا الكتاب أنا أحب أن أقرأ هذا الكتاب لأن أنا أحب الحديث أدرس العربية so that أنا أحب أتكلم عربية طيب. أنا أحب أتكلم عربية طيب أكلم لكي تتكلمي باللغة العربية ان کلمی سر یہ بول رہا ہوں کہ میں بولنا چاہتی ہوں عربی اس کے لیے کیا وہ لفظ ہوگا یہ صوت کی غیر واضح
لأن هناك مكبر الصوت وهو بعيد جدا سبيكر بعيد جدا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے عربی بولنے کا شوق ہے تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا لفظ ٹھیک ہے یعنی یعنی کتاب کے بارے میں پوچھا نا تو لأتكلم باللغة العربية وأحب أن أتكلم باللغة العربية أتكلم طيب ما شاء الله بارك الله فيك فرقان فاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمي فرقان أنا من الهند ما اسمك؟ المعذرة ما اسمك؟ اسمي فرقان فرقان أنا من الهند أدرس في أي بلد؟ أسكن في يامبو سعودية عربية ما فهمت كلامك ماذا قلت هل تتكرر أنا أسكن في اليامبو في اليامبو هذا في السعودية لكنك أصلا من الهند هذا يعني حسب ما أعرف أليس كذلك؟ نعم طيب ما شاء الله عرف نفسك يعني كثيرا يعني ماذا تعمل هناك وهل تدرس هناك؟ نعم خير الكلام ما قل ودل نعم احسنت بارك الله فيك ابن القيم الذي ألفه ابن القيم الجوزية حسنان أدنان السلام عليكم زهر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالكم؟ اسمي دانش الحمد لله اسمك دانش؟ دانش طيب أنت من أين؟ أنا أسكن في الرياض طيب أنت تسكن في الرياض وماذا تعمل هناك؟ أنا في الشغل شركة في شغل شركة دجاج طيب ما شاء الله وهل تحب أن تقرأ الكتب التي ألفت باللغة العربية؟ أنا أحب أن أتكلم بعدين عربي طيب أي كتب التي تريد أن تقرأ في هذه الأيام؟ أنا أحب الريح المختوم أريد استمر نعم الريح المختوم الرحيق المختوم في السيرة
في السيرة النبوية. آية من سيرة النبي. طيب. هذا لماذا يعني لماذا تحب أن تقرأ هذا الكتاب؟ هذا كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تحب أن تعرف سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم التي اختار و ولكي تعرف أنه كيف كان يعيش في أيامه ولياليه وكيف كان دعوته والمصائب التي كانت أمامه هذا هو يعني المقصود المهم الذي تريد أن تعرف طيب ما شاء الله حياكم الله قد حان الوقت أوكي अच्छा एक और से कर लेते हैं बात आप खोलिएगा माइक असफिया उबैदुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू اسمي असफिया उबैदुल्लाह طيب أحب الكتب وكتاب المفضلة كتاب الله ألا وهو القرآن العظيم ما شاء الله. الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونور وحكمة ومواعظ وفيه أوامر ونواهي ووعد ووعيد وتبشير بالجنة وتخويف بالنار وعلوم الدنيا وما فيها من رياضيات وجغرافية وكيمياء وعلوم الطبيعة وغير ذلك كثيرا يعلمني القرآن العظيم معاملات الحياة سواء معاملات الزوجية والوراثة وتربية الأطفال وجمع الأموال ومعاملاتها ونحو ذلك أحب قراءة القرآن لأنه منفعة للدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا أحسنت بارك الله فيك يظهر لي أنك كتبت هذا أو يعني مستتكلمين أنا كتبت وساعدني أمي يعني ساعدك على ذلك أمك نعم طيب ما شاء الله نعمة المساعدة هذه أحسنتم بارك الله فيكم أحسنت جزاك الله خيرا خيرا إيه قار آپ کریں گے بات فی الکتب مائک ہاں نہیں مائک کے ساتھ تاکہ آن لائن والوں کو بھی پتا چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف انتم وبرکاتہ طيب نعم أنا أحب الكتاب وأن تقرأ الكتب في الشريعة أن أقرأ والعلمية في الشريعة والعلمية والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب التفاسير القرآن التفاسير طيب التفاسير. يعني هل تستطيع أن تذكر هناك يعني أمهات التفاسير التي تحب أن تقرأ
يعني من أهمها اسمه ابن كثير تفسير لابن كثير القرطبي تفسير القرطبي وأحسن البيان أحسن البيان وكتب الكثيرة أحاديث نبوية نعم صحيح بخاري ومسلم وابن ماجه وسنن النسائي والدارمي ما شاء الله تبارك الله سنن الدارمي ما شاء الله سنن الدارمي حياكم الله وأبي يالا مسند أبي يالا مصنف أبي يالا والمصنف المصنف والمصنف ابن أبي شيبة ما شاء الله تبارك الله الحمد لله يعني قرأت هذه الكتب قرأت أنا أخذ المعنى والمفهوم طيب و لو تقرأ هذه الكتب بالعربية أيضا لكي تكون ماهرا تقرأ في اللغة العربية والأردوية كلاهما وكلاهما والعربية خالصا طيب ما شاء الله يعني هذا يعني تكون فكرة شغل في قرأ الكتب طيب ما شاء الله هذه يعني تكون فكرة عندك يعني أنك تقرأ الكتب العربية لكي تحصل الفائدة الكثيرة بالعربية واللغة العربية نعم. تحتاج إلى جهد كثير أيه. ومن أهمها القراءة بالعربية ثم المحادثة مع الإخوان أو مع أساتذتك هذا يعني يحتاج وقتا كثيرا لكي تكون ماهرا في هذه اللغة وهي لغة القرآن ठीक है ये मुझे बार बार ठीक है बोलने की जो आदत है ना ये भी खत्म करनी है अरबी बोलते बोलते बार बार ठीक है انا اول الكتب بصرا في देखने को क्या बस بصرا देखने को انظر 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 في ابو في أبوك يعني إلى كتب الوالد أبوك نعم في الغاردن نعم يعني نظرت ولقيت مع الوالد لست يولدك ولدك اس وقت آپ پیدا نہیں ہوئے تھے ما ولدت عندما لقيت في الغاردن وإخوتك وأخوان قد تجاوز الوقت وإن شاء الله نلتقي غدا أو بعد غد بعد غد إن شاء الله يعني يوم الخميس نلتقي ونحاول أن نحادث مرة أخرى في نفس العنوان في نفس العنوان الكتب وأي الكتب تحبون أن تقرأوا ثم إن شاء الله نحادث مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته